आज हम बनाएंगे टेस्टी सी खिचड़ी। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से फूल चुका है। मैंने इसको 4 से 5 घंटे के लिए रख दिया था पानी में भिगोकर। आप भी इसी तरह से करें। कढ़ाई में ऑयल को डालकर उसमें जीरा हींग डालें। आप इसमें करी पत्ता और मस्टर्ड भी डाल सकते हैं। फिर उसमें आलू को डालकर अच्छे से फ्राई करें। जब तक आलू अच्छे से फ्राई होता है, उसके बाद हम इसमें कटी हुई प्याज और कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। पहले हम इसमें मूंगफली डालकर उसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आलू और मूंगफली को अच्छे से फ्राई करने के बाद उसमें प्याज और हरी मिर्च को डालेंगे। उसके बाद हम टमाटर काट कर डालेंगे। इसमें सभी को अच्छे से मिलाएं। 5 मिनट तक इसको मीडियम फ्लेम में ऐसे ही फ्राई करें। एंड इसके बाद हम इसमें नमक डालेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, गरम मसाला, धनिया पाउडर और थोड़ा सा मैगी मसाला। अब इनको अच्छे से मिक्स करें। इसको पकाने के लिए थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि जो हमने मसाले डाले हैं वो अच्छे से पक जाए। अब हमारा मसाला रेडी हो चुका है। अब हम इसमें साबुदाने को डालेंगे जो हमने भिगो कर रखे थे। अगर आप मेरे तरीके से बनाते हैं तो आपका जो साबुदाना है वो बिल्कुल आपस में चिपकेगा नहीं और एकदम ही अलग अलग बनेगा, जैसे कि एक चावल बनता है उसी तरह से। अच्छे से मिक्स करें। आप इसको लो फ्लेम में ऐसे ही मिक्स करें। हम फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे जिससे जो हमारा साबुदाना है वो चिपके नहीं। और आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप साबुदाने की खिचड़ी कैसे बनाते हैं आप मेरे साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और अच्छा अच्छा खाते रहिए।